सिपका से सिपाही सतीश कुमार, सीआरपीएफ गांव छत्तर, तहसील लुचाना, जिला जींद। ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 मार्च 2015 को शहीद हो गया था। इसकी पत्नी का या इसके डिपेंडेंट का हक बनता था रोजगार के लिए, परंतु समस्या क्या थी कि इसकी पत्नी बिल्कुल इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो आज उसको रोजगार देने के लिए एक रिलैक्सेशन, लिटरेसी की रिलैक्सेशन दे के उसकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, परंतु उसके परिवार की हालात को, माली हालात को देखते हुए, उसके बच्चों के लाल पालन को देखते हुए आज सरकार ने उसको अशिक्षित होने के बावजूद, लिखना पढ़ना उसको नहीं आता था, परंतु उसको ग्रुप डी के लिए आज मान। हमारे पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट की ग्रुप सी की सर्विस रूल थे जो 1998 में पहले संशोधन हुए थे, उसमें कुछ कमियां थी, उसको आज ठीक करके मिनिमम जूनियर इंजीनियर की एज 18 से 42 वर्ष की, अब जो पहले 17 से 35 साल हुआ करती थी, मिनिमम एज में 18 से 1 साल की बढ़ोतरी हुई है और अपर एज में 7 साल की। इसी प्रकार से आज आयुर्वेदिक शिक्षा को ग्रुप ए और ग्रुप बी में के सर्विस रूल 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगत तंत्र के नए सर्जित पदों को सेवा नियम में सम्मिलित किया गया है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बना दी है, परंतु पीजी कोर्सेज शुरू करने के लिए दो तरह के वहां पर, और उनकी उसका कोरम पूरा करने के लिए दो तरह के और पद सृजित करने की आवश्यकता थी, तो उसको आज सरकार ने मंजूरी दे दी है ताकि पीजी कोर्सेज का सेशन से हम स्टार्टिंग 4,250 एसपीओ जितने ना, जो 4,250 एसपीओ जो पीछे गुड़गांव और अन्य थानों में हमने लगाए थे, उनको 14,000 और 15,000 रुपये मासिक हम दे रहे थे, और नाइट ड्यूटी वालों को कुछ ज़्यादा दे रहे थे जो गुड़गांव वगैरह में कर रहे थे लोगों की सिक्योरिटी को देखते हुए। तो आज सभी को 18,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी मिलेगी, इसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। और वो डे नाइट ड्यूटी में, अब वो जो स्पेशल नाइट ड्यूटी के लिए लगे थे वो रूटीन की ड्यूटी में भी आ जाएंगे, वो केवल स्पेशल नाइट ड्यूटी के लिए नहीं होंगे, गुरुग्राम वगैरह में जो थे तो वो जनरल ड्यूटी में भी वो काम कर सकेंगे। तहसील गुरुग्राम के 4 गांव चक्रपुर सिलोखरा नाथूपुर व सिकंदरपुर घोसी को तहसील गुरुग्राम से उप तहसील वजीराबाद में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार से मोकलवास वास लांबी फकरपुर खड़कड़ी व ततारपुर को तहसील फरूख नगर से तहसील मानेसर व जाटोला जनोला सांपका जोड़ी व घोसगढ़ को तहसील फरूख नगर से तहसील पटौदी और जिला गुरुग्राम को स्थानांतरित किया जाएगा। जिला गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद को तहसील का दर्जा दिया आज की कैबिनेट ने, जिसमें 20 गांव शामिल होंगे। इसी प्रकार से जिला गुरुग्राम में तहसील वजीराबाद व उप तहसील बादशाहपुर को मिलाकर एक नया सब डिवीजन सर्जित करने का घोषणा की गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दिया, जिसमें लगभग 37 गांव सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से अब सब डिवीजन गुरुग्राम नॉर्थ से गुरुग्राम व सब डिवीजन गुरुग्राम दक्षिण से सोना करने के बारे में भी आज स्वीकृति प्रदान कर। सर्वप्रथम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नंबरदार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार में किया था, वहाँ पर एक बड़ी घोषणा की थी कि जितने भी हमारे नंबरदार बंधु हैं उनको पहले 1500 रुपये ऑनरेरियम हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाता था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डबल करके 3000 रुपये मासिक और 7000 तक का उनके लिए राशि का मोबाइल देने की जो बात घोषणा की थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी मंजूरी दे दी।